अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन कसूरी इन्फो। कसूरी इन्फो में आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपने जो चलान फॉर्म है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट सीट्स अनाउंस हुई हैं, तो उसके लिए जो चलान फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, कहाँ से आपने लेना है। तो आपने जी fpsc.gov.pk की वेबसाइट विज़िट करनी है। इसके बाद जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो आपने डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। डाउनलोड के बाद फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा नीचे को आप आएंगे तो इधर चलान फॉर्म लिखा हुआ है, चलान फॉर्म रिक्रूटमेंट टू BS 16 एंड अबव। इधर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF फॉर्म में एक चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद फिल करना है। तो किस तरह से फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ जी। इसके ना चार पेजेज हैं, तो आप चार पेज ना, जो फर्स्ट वन पेज है किस तरह से फिल करना है। फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है बैंक नेम, जौन से बैंक में आप फीस जमा करवा रहे हैं, जस्ट लाइक NBP है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो लिखोगे। उसकी सेकंड लाइन में आपने लिखना है बैंक कोड है, चार हिस्सों का एक कोड होता है, कोई भी कोड जो आपको बैंक देगा वो आप लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, जौन से डिस्ट्रिक्ट में आप वो फी जमा करवा रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट नीचे लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे CNIC नंबर है, जो आपका ओरिजिनल वाला शनाती का नंबर है वो आप पुट करेंगे। इसके नीचे केस नंबर लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो केस नंबर है वो जो आप एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पहले दिखाई थी, सीरियल नंबर है उसके साथ केस नंबर दिया हुआ है F4। इसके अलावा ऐसे उसका मतलब फॉर्मेट होता है। तो जौन सी सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसका एग्जैक्ट आपने केस नंबर लिखना है। इसके नीचे लिखा है जी एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, ये अगर ग्रेड 16 और 17 है तो 300 फ़ी आप लिखेंगे, और इसके नीचे आप डेट डाल के साइन कर देंगे। इसी तरह से जो तीन जो डिफरेंट चलान है वो आपने अच्छे तरीके से फिल करने हैं। बैंक वाले को दोगे 300 रुपये, साथ में दोगे वो स्टैम्प लगा के आपको दे देगा। जो दो कॉपीज आपको देगा वो आपने संभाल के रखनी है, जब आपका रिटन टेस्ट होगा तब आपने एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जानी है। आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा नया नया चैनल है कसूरी इन्फो। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।